देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। साल नौ की आप सबको, तमाम तर देखने सुनने वालों को बहुत सारी मुबारकबाद। 2023 का साल हर शख्स के लिए, खासतौर पर हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी के लिए एक अच्छा साल साबित हो, इस दुआ के साथ आज इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और 2022 में की हुई जो खताएं हुई, जो गलतियां हुई, जो दिल आजारियां हुई, उम्मीद करते हैं कि अब उसके पीछे छोड़ के उससे कुछ बेहतर सबक सीखते हुए आगे की तरफ चलेंगे। 2023 का साल ये उम्मीदों का साल है, क्योंकि 2022 में जो कुछ हुआ, 2020 से लेकर 2021-22, ये तीन साल कड़े गुजरे। कोविड आया, दीगर मामलात हुए, पाकिस्तान माशी तौर पर मुश्किलात का शिकार रहा, लेकिन अब उम्मीद है कि शायद ये साल कुछ बेहतर हो। और हर साल की तरह इस साल का आगाज भी हम उम्मीद के साथ करेंगे, बेहतरी के साथ करेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करेंगे। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी को जब आगे ले जाने की बात होती है, तो ये बात जरूर है कि जो गुज़िश्ता साल में या कुछ अरसे के दौरान जो कुछ हुआ, उसका जायजा भी लिया जाए। आज कोशिश करते हैं कि इन दो या तीन मौजूदात के ऊपर जरूर बात करें कि जो साल गुजर गया उसमें क्या कुछ हुआ, उससे क्या कुछ सीखा गया, अब जो साल आ रहा है उसमें क्या कुछ होगा या हो सकता है, या क्या कुछ होने की ख्वाहिश हम रखते हैं, और पाकिस्तान में जो सियासी उतार चढ़ाव है उसके ऊपर भी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में आज शामिल गुफ्तगू हैं जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर सहाफी हैं, तजयकार हैं, और वीनस चैनल पे आप इनका अक्सर प्रोग्राम भी देखते हैं। सच के अनुमान से प्रोग्राम को मेजबान, प्रोग्राम की मेजबानी भी करते हैं। तो जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से मेरे लिए नए साल के आगाज में सबसे पहला प्रोग्राम आपके साथ करना, ये मेरी खुशकिस्मती है। बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए भी इज्जत अफजाई का बायस है कि आपके साथ मैं प्रोग्राम करूं, क्योंकि बहुत अच्छे सवाल आप उठाते हैं। और आपको ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, हमेशा मैंने उस्ताद की नज़र से देखा, आपसे बहुत कुछ सीखा। और लेकिन मैं आपके अंदर छुपा हुआ उस्ताद भी देख रहा हूँ, और वो इंशाल्लाह आपकी अदाई आपकी नज़र है जो हमें बड़ी पसंद आती है। जानी साहब, जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं, थोड़ा सा तड़का लगा। जी आप, 2022 का साल जी जब आया था तो हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी। हमने उस वक्त इब्तिदा में, आपको याद, हमने उस वक्त जब 2022 का साल आया था, उम्मीद थी रशिया के साथ तिजारत होगी, मईशत बेहतर होगी, जी सूरत हाल बेहतर होगी। अब हुकूमत को तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर चुका था उस वक्त, उम्मीद थी कि अब हुकूमत ऐसे इकदाम करेगी जो आवाम दोस्त होंगे, महंगाई कम होगी, बड़ी सारी उम्मीद हमने बांधी थी। जहांगीर साहब, उसमें से कितनी आपकी उम्मीदें सच साबित हुई? हम ईमान और यकीन के लोग हैं, हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारी तहजीब, हमारी सकाफत में एक चीज़ गुंधी हुई है कि हम जो है वो मायूस ना हो, मायूसी हमारे लिए कुफ्र का दर्जा सही। अब ये कहा गया, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया है कि 22 में जो कुछ हमारे साथ सूरत हाल हुई है, मायूस की उम्मीद थी, लेकिन अब जो है उससे भी उम्मीदें लगाई गई थी, लेकिन अब जो है सन 2023 आ गया, नया साल आ गया, उसकी मुबारकबादें लोग ले रहे हैं, और कई चीज़ें जो है नविश्ते दीवार के तौर पर जो राइटिंग ऑन द वॉल है वो लिख रहे हैं कि ये हम अपनी किस्मत का फैसला किस तरह करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि वो जो हमने ईमान और यकीन की बात की, वो एक मिसरे में मैं अर्ज़ करता हूँ, पेवस्तर है शजर से उम्मीद बहार। अब शजर क्या है? हमारा मुल्क है, हमारी रियासत है, हमारी डिग्निटी है, हमारा तफाखुर है अपने मुल्क के साथ, और उससे वाबस्ता रहने का ही हमने सबक सीखा है कि हम अपनी ज़मीन से, धरती से जुड़े हुए लोग हैं, और हम इसी की जो है ना आबियारी के लिए काम करते रहेंगे, और हम कभी भी ना उम्मीद नहीं होते, समझे ना, और हम उम्मीद वाले लोग हैं। और अब हम बात करेंगे कि आप जिन्होंने जो सवाल किया है वो बड़ा दिलचस्प है कि हम आगे क्या देख रहे हैं। जो हमने, मैंने जो वजाहत की, 2022 का बताएं, 2022 में जो कुछ देखा, फिर उसकी ना मंजर कशी तो करें ना, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है। 2022 की जो उम्मीदें थी कितनी पूरी हुई? देखिए, उम्मीदें टूटने के लिए भी होती हैं, उम्मीदें जोड़ के रहने के लिए भी होती हैं। सन 2022 को अगर हम क्रिटिक होके देखें तो बड़ी हैरत ही होती है कि बड़ी मायूसी पाई जाती है। इस मुल्क में जो सियासी तबाही का जो मरकज़ो महवर हो सकता है वो ये साल, इस साल में जो है इमरान खान साहब
की हुकूमत भी जो है पीछे हुई और ये नई हुकूमत आगे आई, उससे बड़ा बहरान पैदा हुआ। और जो अब ये एक नया बहरान भी इसी दौरान में पैदा हुआ कि जनाब इलेक्शन कब होंगे, एक कहते हैं इलेक्शन अभी नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल सारी दोनों जो है पीएमडी की बात करें, इनकी बात करें तो एक बात पे मुत्तफिक नज़र आते हैं। मैं इमरान खान की पार्टी से की बात कर रहा हूँ, एक बात मुत्तफिक होनी चाहती कि सन 2023 जो है इलेक्शन का साल है और इलेक्शन बेइंतहा हम है, ये बड़ा ज़रूरी है। और इसके अंदर अगर हम ये खबर देखते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि इलेक्शन होगा, तो इसका मतलब ये है कि हम एक हमारी कश्ती जो भंवर में फंसी हुई उससे निकल सकती है, खुदा करे कि ऐसा। ये बड़ी ज़रूरी बात है और हम सब दुआ तो कर रहे हैं कि 2023 में वो गलतियां ना दोहराई जाएं जो 2022 में हुई। लेकिन जहांगीर साहब आपको याद होगा कि जब 2022 से पहले 2021 का साल था, हम सब जानते थे कि 2022 में बड़ी तब्दीलियां होनी है, नए आर्मी चीफ ने आना है और दीगर बड़े सारे अहदे हैं जो पाकिस्तान में बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं, उनमें भी तब्दीलियां होनी है। ये तब्दीलियां हुई और इसके हवाले से अनसर्टेनिटी के खदशात तो थे कि पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी होगी इस हवाले से, लेकिन जितना कुछ सोचा हमने 2022 के हवाले से, आपको क्या लगता है कि 2022 में उससे ज्यादा तबाही देखी गई, ज्यादा नुकसान देखा गया या नहीं? ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था, 2022 एक ट्रांजिशन पीरियड था पाकिस्तान के लिए और तो ये सूरत हाल बनती नजर भी आ रही थी। मुनीर मेमन, जो हादसे से बढ़ के अलमिये हमारे साथ हुए हैं कि हम हमारी जो क़यादत है, जो क़यादतें रही हैं, पिछली क़यादत हो, इमरान खान की क़यादत हो, नए लोगों की क़यादत हो, ये 13 जमातों की क़यादत है, कहीं ना कहीं नीयत की ख़राबी ज़रूर है। और नीयत की ख़राबी की एक निशानी ये है कि इनका सब के सब टारगेट जो है वो इक्तदार है। ये जो इलेक्शन की जो तलब है इसका भी सिरा इक्तदार है। अब ये इनके पास अगर ये 4-5 महीने से जो हुकूमत आई है इसमें फेल हैं क्योंकि इनके पास होमवर्क नहीं था। वो तो बबांग दोहल जो है वो इतराफ़ कर चुके हैं, तो हम लोग तो नए थे, हम तो 3.5 साल के ही आए थे, हमारे पास तो कोई होमवर्क था ही नहीं, हमारी तो कोई तैयारी नहीं, हम फेल हो गए और हमें चलने भी नहीं दिया गया। हमको तो यू टर्न हम इसलिए लेते थे तो इशारों पर हम चलते थे, अबाउट टर्न वालों के इशारों पर हम यू टर्न लेते रहे और ये नतीजा निकला। पॉलिटिकली विजडम का जो ना एक कमी होती है ना, वहाँ कत्ल हुआ है उस और यही एक मतलब। और जानी साहब आप जो बात करें, मैं कुछ इसी तरीके से अगर ट्रेंड्स को देखूं, 2018-19 हमने देखा कि एक यूथ मोबिलाइज होनी शुरू हुई, यूथ ने हमारी सियासत में बड़ी तेजी से पार्टिसिपेशन की। इससे पहले भी 2013 की बात करें, 2010 की बात करें, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जो यूथ है वो बड़ी एक्टिव नजर है, खासतौर पर सियासत की हम बात करें। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए ये उम्मीद ना उम्मीदी में बड़ी तेजी से बदलती गई। 2013 में जो हमारी उम्मीदों की जो सूरत हाल थी वो कदरे बेहतर थी। आज 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, हर गुजरते साल ने हम पाकिस्तानियों की अगर बात करें उम्मीद थोड़ी हमसे छीन ली। देखिए मसला ये, बड़े दिलचस्प बातें आज हो रही हैं आपकी तरफ से, सवाल तरफ से उठाए जा रहे हैं कि दिल गिरफ्तगी भी है, उम्मीद और यास भी एक है, कामयाबी की हमें कुछ किरण भी नज़र आ रही है। ये जो यूथ आई है ना, इमरान खान तहरीक इंसाफ के साथ यूथ क्या है, वो जो लॉ ऑफ नेसेसिटी होता ना कि देखें, वो एक कौम में जो होता है वो ये होता है कि देखें बेरोज़गारी, बदएतमादी नौजवान नस्ल में उसको ठीक ठीक जो है पहचाना इमरान खान ने, और जो है उन्होंने नारा लगाया, उम्मीद दिलाई और एक तब्दीली की फ़जा को पैदा किया। अब वो जो है वो उम्मीद के तुफैल उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिले, पॉपुलर हुए, पब्लिक पॉपुलैरिटी मिले पब्लिक। अब जब उनको ये कामयाबी हासिल हुई तो इस दौरान में वो मसाइल को इस तरह हल नहीं कर सके, उन्होंने जज्बात पर को तो बरंगश्ता कर दिया, भड़क गए, उम्मीदें लग गईं, जज्बात आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन एक बात बताएं, रिकॉर्ड पर कितनी जो है मुलाजमतें मिली, क्या तरक्की के मौके मिले, और अभी भी ऐसा ही है। हम उनकी बात मेरा पॉइंट भी यही है ना कि आप देखें कि आज पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जो 2010 में 2012 में सूरत हाल थी, हम गुज़िश्ता 8-9-10 सालों में हम उसमें और खराबी की तरफ गए।
महंगाई की बात करें जिसमें आवाम उम्मीद रखती थी कि चलो महंगाई अब बेहतर हो जाएगी, हम उसमें और खराब हुए। लॉ एंड ऑर्डर में हमने कुछ बेहतरी हासिल की, लेकिन इन एक डेढ़ साल के अरसे में हमने वहां भी फिर से खराबी देखी है कि वो जो सूरताल बेहतर हुई थी वो उसमें कहीं ना कहीं अब एक डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दीगर मामलात की तरफ देखें कि पाकिस्तान माशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, आलमी सतह पर पाकिस्तान में बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, अब वो भी जो उम्मीदें थी ना वहां भी उतना ज्यादा दमखम नजर नहीं आ रहा। अब जो ये गिरी हुई उम्मीदें, मैं कहता हूं कि शिकस्त खुर्दा सूरत हाल इस वक्त हमारी, इस सिचुएशन के साथ आप जब सोचें कि फूक का, अफलास का, और गुज़श्ता साल में जो सैलाब से जो बेपनाह तबाही हुई, उसके बाद बहुत सारे जो बादशाह थे वक्त के वो फकीर हो गए, इस वजह से अब 2023 में जब हम कदम रखेंगे, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि डू वी हैव, इस वक्त हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ तो है, लेकिन हर गुजरते वक्त हमने बहुत कुछ ऑलरेडी लूज कर दिया है। एक बात से आपके इख्तलाफ है, बादशाह फकीर नहीं हुए इस मुल्क में, बादशाह फकीर नहीं होते, फकीर दर फकीर दर फकीर और बजमीर से मेंट होने वाले, तो जो गरीब है वो गरीब तर हुआ है और बादशाह अमीर तर हुआ है, उसके मवाक़े, उसके असासे, उसके सारी, उसके बच्चे भी कोई भी तब्दीली नहीं आई है, बल्कि उनके रोशन मुस्तकबिल उनके बच्चों का है और रोशन हाल उनका खुद का है। ये भी अलमिया है। अगर हम इस तरफ देखते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि, और आप ये देखें कि आज के दौर में, आज से 50 साल पहले जो हुकूमतें और जो सियासी पार्टियां खेल खेला करती थी, वो कौम को अहमक समझ के कि जो इलेक्शन का साल आता था तो कई चीज़ें स्टार्ट ले लेती थी, ट्रिगर चला देती थी, बसें भी हम आ रही हैं और अस्पतालों के भी चक्कर लगा रहे हैं और ये 8 साल, अब ये 8 महीने में न 60 साल खूब जो है ना वो हवा भरी जाएगी, दिखाया जाएगा, लोग इतने मासूम हैं कि वो ये देख रहे हैं, इतनी सड़कें खुल रही हैं। एक जगह से आप कह रहे हैं लोग मासूम, ये चले मैं कहता हूँ मोबिलाइज हो जाएंगे, ठीक है अपनी तौर पे आपकी बात, पहले भी उम्मीद, पहले उनको यकीन था, आज भी यकीन है कि ये बेवकूफ़ बना लिए जाएंगे। लेकिन जहांगीर साहब मैं अगर 2022 की बात करूँ, ये बात करके हम ब्रेक भी जाएंगे कि 2022 में हमने एक्सपेक्ट किया था कि गवर्नमेंट, खान साहब की जो गवर्नमेंट है, उस वक्त आर्मी चीफ के हवाले से भी एक बड़ा एक बॉन्ड पाया जाता था खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले तो से ओपन है, बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, बल्कि खान साहब की जब रुख्सत हुई उससे पहले भी जो OIC का इजलास हुआ, उसके जो मनाजिर थे, हर कोई बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहा था कि देखो यार किस तरीके से एक जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट, फौजी एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सब एक पेज में, तख्ता उलट गया। 100 सुनार की एक लोहार की, 100 यू टर्न अगर इमरान खान ने लिए है तो उनके मददगारों ने, जिनको अब तो ओपन सीक्रेट है, वो खुद भी कह रहे हैं और लोग में डिस्कस हो रहे हैं, एक यू टर्न बड़ा लिया है तो इनका जो है काम ठिकाने लग गया, एक टर्न ले लिया है इनकी तरफ से। और उसके बाजवा साहब कह रहे हैं ना, जिस तरह बाजवा साहब, मैं नहीं कह रहा, ये तो रिकॉर्ड पर है, बाजवा साहब ने एक यू टर्न लिया कि उसकी जो ताल्लुक था बिल्कुल ए पॉलिटिकल, मतलब ये कि ये तो मैं थोड़ा सा बढ़ा के कह रहा हूँ, A to Z पॉलिटिकल जो है वो हो गए, बिल्कुल ही अलग नजर आ रहे हैं और इसका असरात हुए। और यकीन तौर पे ये एक, अगर 2022 की एक मेजर सियासी हाईलाइट के तौर पे इस बात को कहा जाए तो ये बात गलत ना होगी। 2022 ने जहां पे बहुत सारे मामलात को उठाया, वहां पे एक बड़ा सवाल ये कर दिया कि पाकिस्तान गुज़श्ता 70-75 साल में जिस तरीके से गवर्न किया जा रहा था, जो निज़ाम पाकिस्तान में अमूमी तौर पर राइज है, जो नजर आता है, उस निज़ाम से पाकिस्तान आखिर किस हद तक आगे बढ़ सकता है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके ऊपर बड़े सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, खासतौर पर इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो माशी चैलेंज एक नाफिज किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, उम्मीद करते हैं इसके ऊपर काबू पाया जाए। लेकिन 2023 के ऊपर जरा बात करते हैं, कुछ उम्मीदें हैं 2023 के हवाले से, 2023 में बहुत कुछ हो सकता है या होने जा रहा है सियासत के मैदान में, सियासत होगी यकीन तौर पर भरपूर होगी, लेकिन सियासत के असरात क्या होंगे, मियां साहब की वापसी से लेके इंतखाबी अमल की सूरत हाल और इंतखाबात के बाद के जो नतीजे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और यकीन तौर पर साल इस लिहाज से जरूर दिलचस्प होने जा रहा है कि इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन इलेक्शन का माहौल जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बता जरूर। द डेली शो विद मुनीर मेमन,
द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं 2023 का, अब नया साल है, नई उम्मीदें हैं और कुछ नए इरादे हैं। हर साल आप हम बड़े सारे रेजोल्यूशन लेते हैं, एक अजम होता है कि इस साल कुछ नया करना है या इस साल अपनी किसी चीज को छोड़ना है, किसी चीज को तर्क करना है या किसी चीज की जस्तुजू करनी है। लेकिन इस नए साल की जो रेजोल्यूशन है पाकिस्तान की क्या होगी, पाकिस्तान इस नए साल को किस अंदाज से देख रहा है और पाकिस्तान का इस नए साल जो मकसद होगा वो क्या होगा। लेकिन मकसद से ज्यादा पाकिस्तान में जो सियासी किरदार है उनका मकसद भी तो बड़ा है ना। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे और इलेक्शंस के हवाले से जो कुछ तैयारियां हैं, जो कुछ गहमा गहमी है वो कैसी होगी, मियां साहब की वतन वापसी, जेलों में कौन जाएगा, कौन जेलों से बाहर आएगा, किसके मुकदमात बनते हैं, किसके मुकदमात नहीं बनते, इसके ऊपर भी जरा बात करते हैं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आता है। गुज़श्ते साल में एक बात हमने कहनी थी वो मेरे मैं नहीं कह सका कि एक बड़ा लॉस भी हमने देखा सहाफत के एतबार से, अरशद शरीफ साहब की शहादत। 2022 का साल इस लिहाज से भी हर एक सहाफी के लिए और एक पाकिस्तानी के लिए जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उसके लिए यकीन तौर पे एक इस लिहाज से गमजदा रहा कि हमने एक बड़ा पाकिस्तान का नामवर सहाफी खोया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की दुनिया से बड़ा उन्होंने बड़ा काम किया उन्होंने और यकीन तौर पर उनकी जो रिपोर्टिंग का जो तर्ज अमल था बड़ा एक अनोखा था अपने मिसाल में, अपने अंदाज में, तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन 2023 की उम्मीदों की जरा तस्करा करते हैं। जहांगीर साहब, अब 2023 आ गया, कदम रख दिया हमने 2023 से, आतिशबाजी भी हो गई, पटाखे भी फूट गए, पाकिस्तान में फायरिंग होती वो भी हो गई, हवाई फायरिंग भी लोगों ने कर ली जो कि नहीं करनी चाहिए थी। अब इस 2023 में होता हुआ क्या नजर आ रहा है? मैं तो पहले देख रहा हूं कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से लोग आ सकते हैं, बहुत से लोग जा सकते हैं। कौम की ज़हनी हालत जिसे कहते हैं, मेंटल स्टेटस जिसे कहते हैं, तो उसकी उसके ऊपर मैं एक शेर कह दूँ, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा क्या उम्मीद लगाई जा सकती है और क्या अदम यकीनी सूरत हाल है जिसका सामना करना पड़ सकता है। रोज़ इरादे मानता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अल्लाह, क्या बात है। अब आप ये देखें, जब हम इस पूरे क़यामत खेज सूरत हाल से गुज़र रहे हैं तो वो यकीन जो ज़रूरत होता है तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हौसले, कौम को हौसला चाहिए तो वो तो हौसला देने वाला कोई नहीं। रोज़ाना जो है हमारे यकीन को, हमारी जो है उम्मीदें हैं उसको तोड़ा जा रहा है, रोज़ाना मायूसी फैले जा रही है। पूरे अखबार आप देख लें, अगर जो 31 का अखबार था तो वो 1 जनवरी में भी जो है उससे ज़्यादा सूरत हाल ख़तरनाक नज़र आएगी, तो लोग कैसे यकीन बनाएंगे, कैसी रोशनी दे सकेंगे, कैसा उनमें हौसला आएगा, कैसे वो मंजिल खुद के तलब भी करेंगे और हासिल करने की उनमें जस्तुजू पैदा होगी, नहीं हो रही ना भाई साहब। और दूसरी बात ये, कौन सा शोभा, जिस तरह आपने दूसरे सवाल का हिस्सा डाल रखा था, वो कौन सा शोभा है जिसमें कत्लेआम उसकी जो रूह होती है ना उसको कत्ल किया जाता है, उस तरफ हर शोभे को जो है वो कत्ल किया गया है। यहाँ हमारी सहाफत को देखें, आप ना मुझे पुरउम्मीद नजर नहीं आ रहे। 23 का साल है, नया साल है, कुछ पुरउम्मीद भी हो जाए, चले कुछ अब ठीक हो जाएगा। अलामतें मुझे अभी नजर आने लगेंगी ना। आज तो ये है कि हमारे सर 9 माह हो चुके हैं, हुकूमत पर खुशखबरी का टाइम है। अब हम ये मफरूजा पुरउम्मीद है ना कि फर्ज कर लिया कि इंशाअल्लाह ताला हमारे ईमान और यकीन का हिस्सा है, हमें सब कर दिखाएंगे। अब ये भी तो करके दिखाएं, रोजाना की खबरें तो आनी चाहिए कि ये जुड़ गए हैं, बैठ गए हैं, इन्होंने इख्तलाफ खत्म कर दिया है, इलेक्शन कराना चाहते हैं, मुल्क की मईशत बचाना चाहते हैं, रियासत को खतरे से निकालना चाहते हैं, और जो जो इनकी दुश्मनी है जो कहीं और भी है, ममालिक के अंदर बटे हुए हैं, हम भी जो है भारत की तरह कुछ ऐसा कुछ करें कि हम भी सबसे कारोबार कर सकें। ये चीज़ें तो जब आएंगी ना, फिर हम उम्मीद नहीं मानेंगे, हम यकीन की जिंदगी गुजारेंगे कि हम हमारी मतलब आप चाहते हैं खोखली उम्मीद ना हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए। उम्मीद क्या, उम्मीद तो हवा भी हो सकती है ना, जबानी जमा खर्च भी हो सकती है। ये काम उनका है जो फैसला साज इदारे हैं, जो कानून साजी भी करते हैं, उस पर अमल दरामद की पाबंदी भी कराते हैं और ख़ुद अपने अंदर इतनी गिरफ्त रखते हैं कि पहले तो इनको खड़े होना था, हमारे प्लस खड़े होंगे तो हमारी रियासत खड़ी होगी ना। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन चले एक और फैक्टर के बारे में बात करते हैं, कुछ गायबाना कुव्वतें भी तो होती हैं ना पाकिस्तान में। यहाँ गायबाना कुव्वत तो ऐसी होती है, गायबाना कहते हैं साफ नज़र आ रही होती है।
चले साफ दिख, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, अब तक तो ऐसा ही है, कत्ल भी करते हैं, करामत भी करते हैं, ठीक है, नई सूरत हाल है, हम कह सकते हैं, चले इस तरह की बात, वो गायबाना पर्दे में है अभी, अभी तो उम्मीद है हमारी, पर्दा नशी को नहीं, हम ये नहीं चाहते कि ये हम पर्दे की बात नहीं करें, लेकिन अभी तो हमारी ये उम्मीद है, मुझे ये बताए ना कि हम ए पॉलिटिकल है हमारी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट, हम यकीन भी करने को तैयार हैं, लेकिन हर चीज के एक सबूत होता है ना, वो वक्त साबित करता है, चले वक्त साबित करता है, लेकिन मैं जरा इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि जो गायबाना कुवतें हैं जो पाकिस्तान में, एक उमूमी दास्तूर है कि पाकिस्तान के मेजर अफेयर्स को वो तमाम तर कुवतें या चलाती हैं या तो उसको डायरेक्शन देने में अपना किरदार अदा करती हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको 2023 में इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं, या एक और सवाल से पहले कर लेते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब काफी अरसे से जिला खुद साख्ता जिला वतनी के में मुब्तला है, आपको लगता है मियां साहब अपने भाई की हुकूमत में वापस आते हैं दिखाई दे रहे? यहां तो ये तो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, 30 साल इन्होंने हुकूमत की है, बड़ा इनको तजर्बा है सियासत का भी, ज़ाहिर है सियासत में जोड़ तोड़ है तो उसकी भी माहिर आप समझे जाएंगे, लेकिन यहाँ तो छाते से उतरते हैं, वो थे सर, छाता मिलेगा इस साल मियाँ साहब को, ये बताए ना, ज़रूरी तो इस बात है कि मियाँ साहब को छाता कौन दे रहा है? देखिए अब आप ये कहेंगे कि मैं कोई इशारा करूं कि किसकी तरफ से छाते की उम्मीद है, नहीं मिला, जो छाता उठाने के लिए मांगेगा उसको मिलने का इम्कान है, छाते पे चलने वाले लोग हैं ना, आपको लगता मांगा जा रहा काफी नहीं, एक तो खुल के मांगते हैं, एक पता नहीं किस तरह मांगते हैं, वो भी शायद मांग रहे होंगे, या तो सब मांगते हैं, करता कुछ नहीं है कोई, अब फिर आप कहेंगे तलख नवाई हो रही है, अच्छे अच्छे दिन, अच्छी अच्छी बातें करो, चले ना मुझे बताए ना, आपका सियासी जो तजुर्बा है, आपने सहाफत में था वक्त गुजारा है, आपको लगता है इस साल इंतखाबात तो चले, डीओ के ऊपर बात करता हूँ, मियाँ सबसे पहले आ रहा, मियाँ साहब तो आएंगे, एक बार देखें कि मियाँ दिनारे सागदार के आप देखें इतने गैर हाजिर रहे वो, फिर इतना जो है ज़बरदस्त काम हुआ कि वो आए, उनकी जमानत भी हो गई, उनके केसेस भी रुक गए, उनकी जायदाद भी मिल गई, और उनको जो है मौका भी मिल गया कि वो सेनेटर के तौर पर बहाल भी हो गए, ये भी तो आपने देखा ही है, तो आपको आप पूरी उम्मीद है कि मियां साहब वतन वापसी आ रहे हैं, आप पूरी उम्मीद ही कह सकते हैं, मैं तो यकीन की हद तक कहना का चाह रहा था, लेकिन आपने अगर आपका स्टेज से आगे कहा नहीं, समझता हूं भाई, देखें एक चीज, एक रिजिम तब्दील होता है ना तो उसकी एक सेटअप होता है, सेटअप पूरा सेटअप लाया जाता है, इक्का दुक्का नहीं लाया जाता है, ये जो कोई मुश्तरका जो ऐसी जिस तरह कह रहे हैं कि एक हुकूमत लाई जा रही है जिसमें सब टेक्नोक्रेट्स होंगे, टेक्नोक्रेट की हुकूमत लाई जा रही है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा वो आता भी है, आप दिलचस्प बात ये देखें, टेक्नोक्रेट हुकूमत गवर्नमेंट कह रहे होते हैं और उसमें सब सरदार लोग से जो बैठे होते हैं और सब जो है यही बैठे होते हैं, वो क्या कैसे कि वो टेक्नोक्रेट हैं भाई, टेक्नोक्रेट किस बात के हैं कि वो सियासत के टेक्निक जानते हैं तो वो टेक्नोक्रेट हो गए, तो कोई समत हो ना, ठीक हो गया, मैं इसके ऊपर आता हूँ, अब जरा दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, ये बड़ा पेचीदा सवाल है, इस साल इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर इंतखाबात हैं तो ये भी जरूर बताइएगा कि ये साल के इब्तदाई हिस्से में, मतलब हाफ ईयरली में हो जाएंगे, आधे साल के बाद हो जाएंगे, आपको क्या नजर? देखिए एक बात ये कि इतना दबाव है, अवाम का एहतजाज आप देखें, वोट डालने नहीं निकलते, अब ये इनकी मायूसी, जब वोट डालने नहीं निकलेंगे तो इनके इख्तदार का क्या होगा, तो कोई तीसरी कुव्वत आ जाएगी, कोई टेक्निकोरेट गवर्नमेंट आ जाएगी, फला जाएगा फला जाएगा फला जाएगा, अब इनके लिए जरूरी है कि इलेक्शन कराएं, ये सब इख्तदार के केक के गिर्द घूम बैठे हुए, तो जब ये इलेक्शन कराना इनके इख्तदार के हुसूल का बहुत बड़ा जरिया है, इधर के हों या इधर के हों, इस वक्त जो ना जैसे आप अगर ये पार्लियामेंटेरियन की जो है तनख्वाह बढ़नी होती, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होता, सबकी तनख्वाह बढ़ती है, सब 100% हाथ उठा देते, इस्तीफों के बावजूद भी, हाँ इस्तीफों के बावजूद भी ऐसा होता रहा है, आपने इजाफा किया, अब ये जब अभी आप इख्तदार की बात होगी ना, सब एक हो जाएंगे, इलेक्शन करा लो जल्दी करो। अच्छा चले मैं इस सवाल को यहाँ छोड़ूंगा, इसके अगला सवाल करो, क्योंकि सवाल को मैंने मजीद भी कंटिन्यू करना है, मुझे ये बताएं 2022 का साल अगर जरा ट्रेंड्स को देखें कि पहले खान साहब ने 2022 में पॉपुलैरिटी अपनी लूज की,
खान साहब की पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे आया, महंगाई की वजह से खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया, अवाम ने, हमने, हम सब ने बात कही, फिर खान साहब की हुकूमत जाती है, खान साहब हुकूमत जैसे ही गई खान साहब की पॉपुलैरिटी में एक बेइंतहा इजाफा हमने देखा, लेकिन वो इजाफा जरूर देखा, उसके साथ अब एक फैक्टर जोड़ लेता हूं और मैं इस फैक्टर का सवाल पूछूंगा आपसे। जब 2012-13 में तहरीक इंसाफ ऊपर आने लगी, हमने देखा एक मकबूलियत बढ़ती नजर आई, तो वहां पे पॉपुलैरिटी से ज्यादा उम्मीद देखी गई। आज 2023 में तहरीक इंसाफ के पास पॉपुलैरिटी मौजूद है, सिंपति भी मौजूद है, पर क्या तहरीक इंसाफ के वोटर्स के लिए वो उम्मीद भी मौजूद होगी जो आज से 10 साल या 15 साल पहले हुआ करती थी? बड़ा टिपिकल सवाल किया आपने, इसका जवाब भी इतना ही मुश्किल होगा, कोशिश करता हूँ आसान देते ताकि नाजरीन समझ जाए। देखिए मसला ये है कि सारी सूरत हाल से ही पॉपुलैरिटी किसका नाम है, पॉपुलैरिटी एक ऐसी उम्मीद होती है वो जो है झूठी हो या सच्ची हो, अगर वो कबूल हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लिया तो पॉपुलर हो जाता है आदमी, लेकिन आखिर में एक एक इम्तिहान से तो उसको गुजरना पड़ता है कि जो अपने पॉपुलर होने के लिए जो आपने नैरेटिव दी है, बयानियाँ दिए हैं, उम्मीद दिलाई है, यकीन दिलाया है, आपका तरीक़ा सियासत ऐसा था कि लोग भड़क गए हैं आपके साथ खड़े हुए हैं, नतीजा जिसे कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेशन ज़रूरी होती है, वो नज़र नहीं आ रही है तो आपकी पॉपुलरिटी कभी भी जो है ना डंप कर सकती है। तो रिजल्ट देने के लिए तो हुकूमत में आना पड़ेगा ना, अगर हुकूमत में नहीं है तो रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? अब आप ये देखें कि साढ़े तीन साल में अब वो आपकी कुछ मजबूरियां, अब आप बता रहे हैं उसी वक्त आप बता देते हैं कि हम जो ने लेफ्ट राइट की जद में आ गए, समझा? आज जो है आप कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमने तो हमें ठीक है, मैं आपका पॉइंट आ गया। अब मुझे इसी से एक करेक्टिव पॉइंट बता दें, आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, पीडीएम की, जो ओवरऑल 8 माह की जो 9 माह की हुकूमत हो चुकी है, इस हुकूमत में आपको ज्यादा परफॉर्मेंस नजर आई? मैं देखें फिर वो आप साल के साल 9 में जो है ना 9 मैं कंपैरेटिव की बात कर रहा हूं, मैं उस बात में ये कह नहीं रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं कंपैरेटिव की बात कर रहा हूं। देखिए आप ये देखें कि एक नैप था, नैप के एक एक्सट्रीम में गए और उसको जो कहते थे कि ये जो इशारे इनको देते थे उसकी बुनियाद पे नैप काम करती थी, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी नैप में, एक एक्सट्रीम पे गए और उसने उड़ा के रख दिया मुखालफिन को। अब ये दूसरी एक्सट्रीम पे आ गए, कोई उन्होंने अपनी वैल्यू इकदार की कदर नहीं की, एक दूसरे स्टैम्प आ गए, सारे केसेस साफ करवा दिए। सही है, अब आपने अगर एक केसेस चलाया तो कहीं तो जस्टिफाइड होने चाहिए थे, कोर्ट में जाने चाहिए थे, कोर्ट से आप निकल आते तो आप कहते हैं आप एक कानून के जरिए आप छोटी छोटी आप पिटीशन वो डाल देते हैं, दरख्वास्तें डाल देते हैं, आपको जो है 50 करोड़ तक आप जो है ना कुछ भी करें कोई नहीं पूछने वाला, कितनी बड़ी बात है साहब। एक कहता है कि पूछो, एक कहता है कि 50 करोड़ के बाद की बात पूछो, तीसरी ये तो खतरनाक बात है ना। तीसरी बात ये कि एक अभी मैंने तस्करा किया था कि जायदाद भी आपको जायदाद भी बहाल हो गई, आपको जो सब कुछ हो जाता है, बैंक अकाउंट भी बहाल हो गया, उसमें करोड़ रुपए पड़े थे वो भी आपके आपको मिलने के लिए आ गया, कोई इज्जत भी मिल गई, वजीर आप जो है ना मालियात भी हो गए, ये सारी चीजें हो गई, तो आज लोग ये देखते हैं कि यार उन्होंने गलत किया नहीं, इन्होंने उनकी गलती से इतना बड़ा फायदा उठाया कि अब ये फरिश्ते नजर आ रहे हैं और ये क्या था? अच्छा मतलब मैं ये कहूं कि अब बद और बदतर की जंग है या कम या बेहतर और थोड़ा सा बद और बदतर जो है ना मिक्स है भाई साहब, इतना आसान नहीं है कि इसको बदतर कर दें और उसको नहीं, मैं तो दोनों में से किसी को कुछ नहीं कह रहा। जब तक तबाहली का शिकार है ये कोई भी, अब कौम की तजहीक हो रही है और कौम की तनकीद से और उनके गुस्से से नहीं बच सकते। अच्छा चले मुझे अब ये समझ आ रही है कि आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को पॉपुलैरिटी को उम्मीद में तब्दील करना है तो वहां पर परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा और केपीके में इनकी हुकूमत है, पंजाब में कर सकते हैं, 3.5 साल में जो उम्मीद और आज भी हुकूमत फाउंडेशन जो बन सकती थी जो वो नहीं किया, वहां चुके नहीं किया चुके, और मौजूदा गवर्नमेंट भी जिस वक्त जिस तरह से हुकूमत चला रही है वो भी ज्यादा कोई उम्मीद वाली नहीं है बल्कि उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि अब मुकाबला बड़ा कड़ा होता नजर आ रहा है ना। एक काम जो है नजर आता है इमरान खान के खाने में, वो ना चाहते हुए भी बड़ी हैरत अंगेज है कि उसने इतना बड़ा जो है ना फलट छोड़ा
अपनी पॉपुलरिटी का और दबाव का इतना फर्क हुआ कि हर जगह इत्तेहाद बन गए, 13 जमातों का इत्तेहाद, एमके में पीपल्स पार्टी का भी इत्तेहाद हो गया, हर जगह इत्तेहाद इत्तेहाद, बाप बेटे से मिल गया, मतलब बाप जमात से ना, कोई किसी में तमीज नहीं हुई है। अब आप ये देखें कि कौम तो मुत्तहिद नहीं है, मुंतशिर है, लेकिन मुक्तदर मतलब इख्तदार वाले, कौम मुत्तहिद हो जाए तो ये सब मुंतशिर हो जाएगा। जो अगर ये 13 जमातें और पीपल्स पार्टी और जो एमक्यूएम भी एक होने के लिए, मतलब साथ रहने के लिए अगर बना दें तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इंतजार कितने है कौम में यार, कितनी मायूसी। आप एक चीज भूल गए जिसके ऊपर मैं ब्रेक पे जाऊंगा कि आप मुत्तहिदा की नहीं, यही कह लें एमक्यूएम की मुख्तलिफ धड़ों को भी मुत्तहिद करने की बात कर रहे हैं। नहीं, यही बात है, ये भी एक टर्निंग पॉइंट है। एक बात ये है कि एक उसका केक बना के वहां रखना है, वो पीपल्स पार्टी भी उधर से आएगी, तालियां बजाएंगी और जो है एक जश्न मनाया जाएगा। बिल्कुल, बात करेंगे जाकिर साहब, यकीन तौर पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और जो मैंने कहा था कि इंतखाबी सूरत हाल के ऊपर जरूर बात करेंगे और पॉपुलैरिटी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अब बल्दियाती इंतखाबात का जो उम्मीद थी कि अब नहीं हो सकते, या भरपूर कोशिश की गई कि बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार किया जाए, अब ये बल्दियाती इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। और अगले बल्दियाती इंतखाबात के जो नतीजे आएंगे उन नतीज का कितना बड़ा असर होगा और नतीज से क्या कुछ अखज किया जा सकता है, इसके असर पाकिस्तान की सियासत पे क्या होंगे, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बता हैं। The Daily Show with Munir Memon. The Daily Show with Munir Memon. प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जरा तस्करा करेंगे कि अब हुई बात 2022 की, 2023 की, लेकिन 2023 ने इब्तिदा में ही अपना रंग दिखा दिया। 2023 में हमें इंतखाबी अमल होता हुआ नजर आएगा। खास तौर पर ये इंतखाबी अमल कौन सा है जनाब? ये वो इंतखाबी अमल है जो कि बल्दियाती कहलाता है, जिससे पाकिस्तान की अक्सर और बेशतर सियासी कुव्वतें राय फरार इख्तियार करना चाहती हैं और नहीं चाहती कि अपने इख्तियार को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। और फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का तो आपने हाल देखा ही है कि मेयर और मेयर के इख्तियारात की जो जंग है वो तो कोई नई बात ही नहीं रही, ये तो किस्सा हो गया, ये तो तारीख हो गई, ये तो एक ऐसी तारीख है जिससे आप और हमें हमेशा से वाबस्ता है, हम सब जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन 2015 में जो पहले इंतखाबात होंगे, इसने कहीं ना कहीं इस बात की बुनियाद डाल दी कि अब इंतखाबी अमल से बचा नहीं जा सकता। और इन इंतखाबी अमल के बाद जो नतीजे आएंगे, यकीनी तौर पे ये बड़ा इफेक्ट डालेंगे पाकिस्तान की मजमूई सियासत के ऊपर। जहांगीर साहब, पहले तो आपको मुबारक, कौम को मुबारकबाद के बल्दियाती इंतखाबात की जो हमने देखी थी कि आखिरी उम्मीद भी जा चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और अब ये बल्दियाती इंतखाबात उम्मीद है कि हम मुबारकबाद ले लें, आपको इतना यकीन है, चलिए हम भी ले लेते हैं। अब मुझे जरा ये बताएं कि 2023 में ये जो इंतखाबी अमल होगा, कैपिटल में भी होना है, कराची में भी होना है, ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लोकल गवर्नमेंट्स में भी होना है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स में, इस्लामाबाद और कराची की बात हो रही है। तो अब मैं ये जरा सूरत हाल को अकस करूं कि जीत कौन रहा है और जीतने के बाद के असरात क्या? आज बड़े मूड में है आप ना, अब सोच सोच के नया साल है, नई एनर्जी के साथ बात करेंगे ना। देखें, जीत कौन रहा है, अब पहली दफा ये एहसास हुआ है, पहली दफा मैं जो समझ सका हूं कि जो मुकामी लोग हैं ना, मुकामी जी, अपने मुकाम पे मजबूत और जम के खड़ा रहना चाहते हैं। सही। अगर वो जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो उनका रद्देमल है कि अगर वो इलेक्शन हो नहीं रहे थे लेकिन सुबह लाइन में लगे हुए थे, वो भाई वोट कार्ड डालना है। बिल्कुल सही। देखिए ना, आप जज्बा देखें, लोकल गवर्नमेंट की बड़ी अहमियत बन रही है, क्योंकि ये देखें इनकी नाइंसाफी, वफाक के पास इख्तदार की कुव्वत और एक जगह थी, वो सूबों को देने के लिए तैयार नहीं था। सूबे जो है मुकामी हुकूमतों को देने के लिए यानी शहरी हुकूमतों को देने के लिए तैयार नहीं, हर एक ने जो है जकड़ा हुआ अपने इख्तदार के जो ना,
अभी अब ऐसी नजर ये आ रहा है कि अब ये जमा नहीं कर सकेंगे, ये शहद का छत्ता जो है नीचे तक आएगा और शहद सभी की किस्मत में आएगा, और सबसे ज्यादा मुकामी लोगों पे, मुकामी लोगों का हक होता है, मुकामी जबान और लिसान की बुनियाद पे नहीं कह रहे, जहाँ जो लोग रहते हैं, जो अपने इलाके का जो बेहतर शख्स है वो मंजर-ए-आम पाएगा और वो आएगा। वो अगर इनके ऊपर वाले सीटों पे भी, वफाक में भी, जो जहां का होगा वही वोट पड़ रहा होगा। इससे एक तो दो बड़ी अहम चीज होंगी कि अपनी सियासी जमातों में भी प्रेशर बिल्ट होगा, लेकिन एक रसाकशी भी तो है ना। अगर मैं एक मफरूजे के ऊपर बात कर लूं कि तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में फेल हो जाती है, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती, इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त तो इस्लामाबाद की सूरत हाल की बात करें तो यही नजर आता है कि तहरीक इंसाफ वर्सेस नून लीग होगा। कराची में जमात इस्लामी है, तहरीक इंसाफ है, वो दोनों अलग अलग धड़ों पर लेकिन अपोजिशन में, और दूसरी साइड पर MQM है और MQM की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है। अब मुझे जरा ये बताएं कि ये जो सूरत हाल है इसमें क्या है कि अगर तहरीक इंसाफ नाकाम हो जाती है, फिर तहरीक इंसाफ का ये जो इलेक्शंस कराने का जो मुतालबा है वो कुछ थम जाएगा आपको लगता है? देखिए, अच्छा ठीक है, चूंकि आपने मफरूजा कहा तो उसका जवाब मफरूजे में नहीं लेकिन हकीकत में भी एक उसका जवाब है जी। वो देखो, पार्टियाँ आती हैं, जिंदा होती हैं, चली जाती हैं, लेकिन आवाम तो जिंदा रहते हैं ना। अब जब ये कहीं जमा हुए, किसी एक के साथ जमा हुए, एक शजर से जोड़ने की कोशिश की है, अगर वो सर हट जाएगा तो नए जो बूटे आएंगे, पौधे लगेंगे, कदावर होंगे, दरख्त बनेंगे। इससे वही वाली बात जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि मुकामी लोगों को इख्तदार में लाने का शऊर बहुत मजबूत और नतीजा खेज साबित होगा। और अभी वो बिछर ना, एक सेंट्रल पावर आ गई ना, वो जब वो टूटेगी या बिखरेगी, आपने चूंकि मफरेजे पे बात की है तो जब वो बिखरेगी तो कहीं लोग तो वही है ना, वो तो वोटर तो वही है ना, वो अपने जगह पर मौजूद है ना, उनका टैग बदल गया या बिखर गए या कुछ हो गया, तो वो उनका दूसरा जो इंतखाब होगा वो ये होगा कि अब हम ये बड़ी बड़ी पार्टियों के पीछे जाने के बजाय हम नीचे से जो है ना बल्दियाती हुकूमतें या शहरी हुकूमतें इसको मजबूत करके इसके ज़रिए जो है वो आगों की सूबे की हुकूमत मजबूत हो और वफाक ताकतवर हो। अच्छा ठीक हो गया, अब मुझे इसका पॉलिटिकल सिनेरियो बताएं। मैंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ हार जाती है, अगर तहरीक इंसाफ इन बल्दियाती इंतखाबात में ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते, 50-50 की पोजीशन भी ले लेती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का क्लेम तो ये है कि वो 2/3 की बात कर रहे हैं, अगर 50-50 पोजीशन भी ले लेती है तो कहीं ना कहीं हुकूमत कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करेगी? देखिए, 50-50 की पोजीशन ले ली थी तो फिर उसको मतलब है कि उसकी पॉपुलरिटी मौजूद है वो, और रूट आउट नहीं है। ठीक है, जब रूट आउट नहीं है तो वो अला मफरूजा कि अगर ये बिखर जाती है, ख़त्म हो जाती है तो वो एक अलग है। अगर इनकी पॉपुलरिटी कहीं कमी के साथ आती है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन अब रिप्रेजेंटेशन में भी एक नई बात ये पैदा हो रही है कि बाहर से ला ला के जो है लोग बैठाए जाते थे। अच्छा ठीक है, वो मैं, हाँ। मैं आपका पॉइंट ले लिया, प्रोग्राम भी हमने क्लोज भी करना है। मुझे अब ये बता, दूसरे मफरूजे के ऊपर इन बल्दियाती इंतखाबात में सपोज कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर जाती है, और इस्लामाबाद की बात करें, कराची हैदराबाद की बात करें, तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से जीत जाती है, ठीक है, तहरीक इंसाफ इसके बाद जलसे जुलूस की क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी और हुकूमत के ऊपर कितना बड़ा दबाव होता दिखाई देगा आपको? देखिए, हमारी किस्मत तो वो ही है, वो लोग रो रहे होंगे, अभी ये रो रहे हैं तो हम परेशान हो रहे हैं कि यार इनको तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। अगर ये क्लीन स्लिप कर जाते हैं तो वो भी स्लिप हो जाएंगे, अवाम भी कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं वो इनको रो रहे होंगे और ये इनको बेवकूफ बना रहे हैं और फिर लाइन में लग जाएंगे इक्तदार की। हमारी किस्मत और इसके असरात होंगे आपके जनरल इलेक्शन के ऊपर। अगर मैं ये कहूं कि जनरल इलेक्शन की तारीख लेने के लिए इसके बाद तहरीक इंसाफ ज्यादा एक्टिव नजर आएगी तो गलत तो नहीं होगा? स्वीप हो जाती है, अगर मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के ऊपर बात कर रहा नहीं, तहरीक इंसाफ में एक चीज नजर आनी चाहिए कि जो मेच्योरिटी नजर आती है ना, फैसला साज मेच्योरिटी होती है, जो फैसले करने की डिसाइसिव पावर होती है वो बिखरी हुई है। अरे उसमें आप ये देखें कि इधर एक वजीर इधर कह रहे हैं, हमारे इमरान खान वो कह रहे हैं, उसकी जबान बोलने के बाद थोड़ी देर बाद, अभी जो एक मिसाल नहीं देने चाहिए लेकिन ये कि एक ने कहा आप प्लेब आए,
आपने कहा हाँ हम तो हैं प्ले प्ले बॉय। प्ले बॉय का तो खास मकसद है ना कि अमीर ख्वातीन को जो है वो अब लच्छेदार उसमें ला के वो करते। अब एक खास जहन का तबका भी रहता है जो मजहबी एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता है लेकिन उसका मजहबी जहन है, वो इन चीज़ों से नफरत करता है। आपको ये ही नहीं पता कि आपकी बात के नताइज क्या निकलेंगे, पूरी तहरीक इंसाफ का जो नुकसान पहुंचाए, ये हमारे मिजाज को नहीं समझ सकते। मैं समझ गया, अब मुझे तड़का तो लगा सकते हैं इस्लाम का। बता दें कि इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं, फाइनल सवाल, जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, इस 2023 में और किसकी पोजीशन आपको इस वक्त बेहतर नजर आ रही है? देखिए एक बात ये मैं पहले कह चुका हूँ कि इंतखाबात होंगे इसलिए कि वक्त की ज़रूरत है, और ये जो इक्तदार के शौकीन हैं उनकी नहीं, जो बैठे जो इक्तदार की उनकी ज़रूरत और ख्वाहिश है उसको एक ही ज़रिया रह गया है। अब न इस्टेब्लिशमेंट जो है ना ए पॉलिटिकल का मसला है और ना कोई और हिमायत है, इनको वहाँ जाना है अपने अपने तरीक़ों से टेक्निक से वोट हासिल करने हैं और इसको इलेक्शन को कामयाब बनाना है। ये तो ज़रूरत पूरी है, इलेक्शन तो होने हैं और ये हमारे इलेक्शन होने हैं, इससे बचा नहीं जा सकता, इससे राय फरार है। अब शायद तैयार करना तकरीबन नामुमकिन सा नज़र आता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो हो बेहतर हो और बेहतरी के लिए और जो इंतखाबी अमल है वो पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरियत के मानने वालों के लिए यकीन तौर पर एक मुस्बत साइन भी होगा, क्योंकि जिस जमहूरियत की हम बात करते हैं, जिस निज़ाम की हम बात करते हैं, चाहे वो कमज़ोर सही लेकिन अगर इसका तसलसल रहता है तो उम्मीद की जा सकती है कि वक्त के साथ ये मेच्योर भी होगा, बेहतर भी होगा और फले फूलेगा, परवान चढ़ेगा। लेकिन 2023 का साल जैसे कि हमने कहा कि एक बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, इवेंटफुल होने जा रहा है 2023 की इब्तिदा से ही। हमें सियासत के मैदान में तो बहुत कुछ नजर आ रहा है कि उतार चढ़ाव भी होगा, पॉपुलैरिटी गेम भी होंगे, बहुत से लोगों का आना होगा, बहुत से लोगों का जाना होगा, बहुत से लोगों का अंदर जाना होगा। ये सारी सूरत हाल है जो 2023 में देखी जाएगी। लेकिन इस दुआ के साथ आज इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे कि जो 2023 का साल है वो हर एक पाकिस्तानी के लिए एक मुस्बत असर छोड़ता हुआ जाए। 2023 के साल में जो पाकिस्तानी जहां जहां जिन मुश्किलात में है, जो शोबे इस वक्त पाकिस्तान की जुबहाली का शिकार है, वो अपनी परेशानियों से अपनी मुश्किलात से बाहर आ सकें, और इसी दुआ के साथ आज प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। जहांगीर साहब आज आप तशरीफ लाए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम सब के लिए, हमारे बिजनेस टेलीविजन के लिए भी। ये साल बड़ा अहम है क्योंकि इस दिन हमारे टेलीविजन का आगाज हुआ था, इब्तिदा हुई थी। पहली जनवरी से ही हमारे साल हमारे बिजनेस टेलीविजन की सालगिरह भी होती है, हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो सफ़र हमने शुरू किया था इसी तरीके से इसको आगे ले जाएं, और इस सफ़र में यकीनी तौर पे बहुत सी गलतियां हुई होंगी, बहुत सी खामियां हुई होंगी और बहुत कुछ ऐसा होगा जो शायद हम ना कर सकें और यकीन तौर पे नहीं कर सके। महदूद वसाइल हैं और महदूद मामलात हैं और इस बात को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से आखिर तक इस बात की कोशिश ज़रूर रहेगी कि आपको हर चीज़ के हवाले से आगाह रखें, अपना बेहतरीन तजिया दें, अपने प्रोग्राम्स के अपने मयार को बेहतर बनाएं, और जिस दिन ये नहीं रहेगा तो यकीन तौर पर ये प्रोग्राम का जो सिलसिला आप वो भी उससे भी हम आपको खुदा हाफिज़ कर देंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं 2023 का साल है हम सब के लिए एक मुस्बत साल है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान उनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।